पंडित जी थे कही तुम चलो ए लला बैठा लो पलंग थे तो सलहीना परी कैसे आए, चलो आ जाओ। जैसे ब्राह्मण देवता ने एक हाथ से रथ पकड़ो और एक पैर धल्लो ऊपर, जो घोड़न की बाग हिली और जाकर रथ ऊपर उठ के और रेस पकड़ी, पंडित जी ने किया जो ऐसे इन्नू के चक्करम पर हैं सवेरे थे, एक चुकटी थी बेटा ना वो बताओ जो नेको डंडा हाथ में छूट को का बचे हो नीचे, ए लला जरा तू नीचे ना जन सकत, कचना बाबा पहुंचे ही जा रहे हैं, चिंता मत करो बात ही कर पा तो तक तो रथ कुंदनपुर के बाग में उतर गो। श्रोता बंधु आप पंडित जी चले जो उतर के चले और दरवाजे तक जाके खड़े हो गए, रुक्मणी आंखों से आंसू चल रहे थे जब रो रही थी और जो दरवाजे पर नजर पड़ी अरे बाबा आए। श्रोता बंधु आज पंडित जी ने जब इशारा लड़की की तरफ किया और लड़की ने ब्राह्मण की तरफ देखा है किस तरह से, ध्यान रखना जब आज से करीब 26 वर्ष पहले प्रमोद भाई साहब ध्यान हो तो हम और ठाकुर साहब रामायण गांव को तेना इतना आनंद आता था कि इतवार के दिन रविवार के दिन परीक्षित जी मालूम है ना कितनी भीड़ होती थी, जब प्रांगण में जगह नहीं बचती थी बैठने के लिए, हर इतवार कार्यक्रम होता था और मालूम है हो तो कौन सी धुन में हो, जेऊ बोलते और हमऊ बोलते कैसे, अरे दरवाजे पे थे द्वैबेर खांसे
और जो बिटरिया की नजर गई सो पनी ने सारो तो समझ गई। सो ये अपनी मैया से जाके कही, मैया मैं शादी है कि कल चली जाऊंगी, तो ने आज मंदिर में पूजा और कर आऊं। ओ लली रुक जा, ब्याह में चक्कर पर रहो, अब तेरे भैया बुला लेना। रुकम बुलाए, शिशुपाल संग ही आए, जरासन आए, का बात है मैया? बात का सुना लला जी, लली बा मंदिर में पूजा करवे जा रही है। बिल्कुल ना, वो माली ने बता दिया बाई बगिया में तो ठाड़ो है वो ना। जरासंध की इतने भयभीत है गए हो, सो लड़की की पूजा रोक रहे हो। बाई भाई मालूम ना आए गए ना, जरासंधु आ गए 17 बार मारो मैंने मथुरा में 17 बार और सेना लगा दा बाग तक, चल हम चल रहे। ए भैया एक ने कई सबने मान ली, सबने और बाग तक सेना लगा दी। आज लड़की जब पूजा करने के लिए चली है, ध्यान रखना सभी माताएं बहनें बेटियां सुने, जिन तीन पक्षों के बारे में बता रहा हूं वह तीनों ही ना मौजूद हो तुम, लड़ाई किन किन में घर में, सास बहू और नंद, इन तीनों के बीच में, और बिल्कुल ना हो भाई ये तीनों अपनी अपनी जगह पे आ जाएं। अगर नेकू लड़ाई है जावे तो मैं जानी, पर कारण क्या है, सास तो जी भूल गई है कि हम काउ दिन बहू हतए, बेदना बनाया थे उन्हें। सास की पदवी कौन सी है, रुपया पैसा दूध दही घी मठा कुठिया में बंद करके और तारो लगा के तारी कमत्ते न बंदी तो सास भाई की है। कायकू माता जी पागलपने कर्म कर रहे हो जी, काउ को ना है यहां, तो जो आओ है तय जानो पर हो, जो आया है उसे जाना पड़ेगा निश्चित। श्रोता बंधो, दूसरी बात, बहु जा बात है भूल गई है क्या, दाखिल खाच जंदी हो भाई तो हुआ सासु बननो है, जो आज तू कर रही है सासु का संग बे तेरे संग। और नंद बिटिया बे जा बात है भूल गई है कि मोह काऊ के घरे बहु बन के, आज जा भारत तुम अपनी भौजाई के संग कर रही हो बेटा, ब्याज सेत में ले तैयार धरो है। तो इस बात को तीनों अपनी अपनी जगह पे आ जाओ है। आपने सुना है रसियाए भजन की साखी है, ये रसियाए भजन की जब साखी बोली जाती है और साखी के बाद बोलते हैं गाहो गाहो, तो वो गाओ किस तरह से, अरे गोलुआ में सब्जी देती सोबे डो करीबा गोलुआ में सब्जी है खामे और अलमारी में चिन्ने बिन ढेर लगा दो। एक दिन बहू की नजर पड़ी गया, माता जी क्या कर रही हो, अन्या झूठे गोलुआ चल रही हो जा अलमारी में फेंक में को जावे हो। सास ने की बेटा इन्हें फेंकने की जरूरत ना है, तो जे मेरे बेटा तेता है दद्दा का उतना ते काम में आएंगे, विचार करो आज तुम बहु हो कल सास तुम भी बनो। और सबसे बड़ी हंसी का बात है, तुमने देखी बहु जब रोटी करके लावे और सास के सामने थारी पसदी और सास की तास में होता है थानेदारी घर में भरपूर, 3 स्टार लगे होते हैं कनापे,
सो बिन ने डोकरी ने कोरा मुंह में तो और थारी फेंक दी। अरे यार देखे जा मैं नोन कितो है ते मेतरिया ने का सिखाओ तो है और जो रोटी जरी गई अगला बहू ने की माता जी नाराज मत भाई अब दूसरी कर रही है दोबारा फिर बना दूंगी। बहू ने दूसरी सब्जी फिर बनाई रोटी फिर करी तो मुंह सूदो नहीं वो कत रही खबाबत रही धीरे धीरे गारी सुनत रही बा बिटरिया ने होरी पकड़ ली होले होले बे सब सुन लिया जिनके घर में बहू है आत गांठ बांध के जाइयो तुम ते कमे ना जानती है वे बहुएं ज्यादा जानती हैं। सुबह ने होली पकड़ ली से होली बाय देना कही के माता जी बहू ने गणित लगाओ के रोजाना रोटी भैया एक एक घंटा शाम सवेरे ओ होली बाय देना करहिया चले आठ घंटा चंदे का ना चंद बताओ। सो बहू ने की माता जी जा घर में सास मौजूद होते तामे बहू का रहिया पे ना बैठे थे जो काऊ किताब में लिख रही है काऊ ने कहू लिखी देखी हो तो बहू दिखा दो बहू बदलो पटा रही है आज कढ़ैया चले ही आठ घंटा डोकरी फूल के चार आंगो चोरी है मेहना मेरी बहू इतनी मलूक है कि देख लो मैं बैठी हूँ ताते कढ़ैया बना बैठी टुकड़िया कढ़ैया बैठा दे आंगन में और घाम पत्ते खूब बीच में आंगन में सो डोकरी पीढ़ी पे बैठा दे बहू ने चकरा बेल ना लो सीरकम बैठी है दूर और मई तेवा ने पूरी बेली फेंक के दई डोकरिया में डोकरी से कत रही बारह बज गए एक बज गो धोती मूड़ा पर उतर गई बारह फिकर गए कछू जरी गई घाम कछू जरी गई चूल्हे पे और डेढ़ बजे कही बहू ने बरामद में माता जी नहीं टिक्की और बना दिया मुँह पे आवत ना है डोकरिया चार बजा दे चूल्हे पे सो लगा दे सब माता जी काउ पुराण में ना लिख रही कि जा घर में सास हो तम बहू कर रैया पे ना बैठ थे वो बदलो पटा रही है तुम पे थे ताते एक ही बात में ज्ञान है और जो मैं बताऊं देखी कितनो अच्छी लगाई अच्छी लगा तो ताली बजाइयो तो जी कह दो बहुत के बेटा तू अपने हाथ से कल्ले और खाले और मोए पस की दे दे जाते बढ़िया क्या नहीं पर पसवे में स्वाद कहा है जो तक डुगरिया आठ घंटा चूल्हे बन जा रही तो तक और लड़ाई देखी है तुमने लड़ाई है जा सास में बहू में तो डोकरी तो कमरा पर ठाड़े गाली देती है दो हाथ ऊंचे करके अरे रात सवे दिन जीव चलाते सवे दिन जीव कोई खाते और ही गाल बजा रही है देख लगे जो काम अकीन धंधे की तो डोकरी तो चिल्लानी हाथ उलाए उलाए के और बहू ने भीतर बाय कमरा में तो किवा रखी ओटक में तो नेक अंगला ऐसे करो और कही गए सो फिर हाथ नीचे अरे देख ले और ही जा घर में कोई न्याय को करवाइए ना देख लो थप्पड़ उछाल रही है और फिर गाई दल करी और डोकरिया जागन बगत देगी ताकि फिर धोती कर ली ऐसे रसोई। अब बताओ डोकरी तो चिल्ला रही है सबके सामने बहू कह रही है उठक में तो कुनवा भाई का कहते हैं मालूम है भैया बहू इतनी खानना नहीं है क्या डोकरिया लाखन गारी दे रही है पर बुआ पाई मोह में तो कछु कहते ना है अब बू कहते का सो तो डोकरिया जाने का कहते हैं तो ध्यान रख लो एक ही में माता जी ज्ञान है क्या बिटिया जे तू घर में बहू बन के आ गई जब चाबी पकड़ ले तू मैंने बहुत दिना ताबेदारी कर दी जा घर की अब मेरा समय भजन करवे को है सुबह तारी ते उजा दे बहू है अगर ने को जानकारी हो तो बस चाबी ते उजाओ बहू है तू जाने तेरा काम जाने अब तक रहेगा घर मेरा और आज विवाद है ते कही के तो देखो नहीं चलो सभी प्रेम से ताली बजाते हुए भगवान के नाम का भजन बोले और जो बिटिया जो बिटरियां तैयार भई हैं वो तैयार होकर के आ जाएं कुर्सी मंगा दो दो ताली बजाकर बोले शिवक दो कुर्सी कुर्सी अरे के तो लसा तेरी अरे ओ